आज ये सब जानते हैं कि ये इंसान अरबों रुपए के बंगलों में रहता है, करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है, लेकिन इस कामयाबी के पीछे की कहानी जिसे कुछ ही लोग रूबरू हैं, और आज इस वीडियो में इस बंदे की कहानी आपको मजबूर कर देगी ये सोचने पे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ कही सुनी बातें नहीं है। अगर ये बंदा कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ गौतम, आई एम द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं विलार्ड कॉर्नल जूनियर की, यानी कि जिसे आप विल स्मिथ के नाम से जानते हैं। आज की वीडियो विल स्मिथ की केस स्टडी के ऊपर है। विल स्मिथ के करियर की शुरुआत एक रैपर के तौर पर हुई थी, जहां नाम दौलत और शोहरत के बाद एक दौर ऐसा आता है जहां 1990 में एक दिन IRS उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। विल उनके एक इंटरव्यू में बताते हैं ये वाकया। दे वॉन्ट $2.8 million एंड आई हैड $2.83। वो आगे कहते हैं, There is nothing more sobering than having a 6 luxurious car and a mansion one day and you can't even buy gas. रातों रात उनकी कमाई हुई दौलत शोहरत बहुत बड़े फेलियर में तब्दील हो गई। विल स्मिथ आगे इसी इंटरव्यू में बताते हैं कि कट आउट द नॉइस ऑन द आउटसाइड एंड लिसन टू द वॉइस इनसाइड एंड कीप योर आईज ऑन द प्राइस। तो कहते हैं ना, एक अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा हमेशा आता है। विल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आफ्टर 6 months ऑफ दिस डिप्रेशन उन्हें एक प्रोजेक्ट असाइन हुआ, द फ्रेश प्रिंस, जो काफी कामयाब हुआ। लेकिन विल के अभी भी उनकी कमाई का 70% हिस्सा उन्हें पे करना पड़ता था IRS को, वो भी अगले 3 सालों के लिए। विल इस बारे में आगे कहते हैं कि मेरी एक्टिंग करियर की शुरुआत यहीं से हुई थी, लेकिन कुछ चंद रुपयों से सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। विल बताते हैं, मैं स्क्रिप्ट की सारी लाइंस याद कर लेता था, इवन मैं दूसरे लोगों की लाइंस भी याद कर लेता था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था क्योंकि एक्टिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा नई थी। लेकिन ये बात मैंने ठान ली थी उस टाइम पे जब मैंने क्रिटिसिज्म का सामना किया था, आई विल बी द बिगेस्ट स्टार इन दिस वर्ल्ड। लेकिन इस गोल को पूरा करने के लिए विल ने अपनी जिंदगी के 20 साल लगा दिए थे। लेकिन आज विल एक इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिनके पास 8 लगातार फिल्में हैं जिन्होंने $100 million इन द डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस, 11 फिल्में जो लगातार $150 million वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ रिकॉर्ड जमा के बैठी है। आखिरी शब्दों में विल बताते हैं कि द पाथ टू सक्सेस इज नेवर स्ट्रेट, द पाथ यू सी द सीड्स ऑफ फेलियर, बट दीज सीड्स कैन क्रिएट योर लाइफ एंड योर सक्सेस। दोस्तों, विल हमेशा बताते हैं उनके इंटरव्यू में या कोई भी प्लेटफॉर्म पे जब वो बात करते हैं, जहां पे विल कहते हैं कि मैं किसी भी मूवी को असाइन करने से पहले खुद को उस मूवी में देखता था और उस मूवी की सक्सेस को अपने माइंड में इमेजिन करता था। दोस्तों, अगर एक इंसान इतने बड़े सक्सेस के बाद एक फेलियर में जाता है और फेलियर से फिर उठने की ताकत रखता है, तो दोस्तों आप क्यों नहीं कर सकते? अगर विल कर सकता है तो आप जैसा हर एक इंसान जो ये वीडियो देख रहा है वो इंसान कर सकता है। बस शर्त इतनी है कि आप में होना चाहिए, एक लगन आप में होनी चाहिए, आई विल नेवर गिव अप जैसे विल कहते हैं, क्योंकि यही चीज डिफरेंस क्रिएट करती है। इसलिए आज हर इंसान विल स्मिथ नहीं बन पाता। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर, आपका गुरु ऋषभ गौतम, आप सभी श्रोतागण से आज्ञा लेता हूं, अनुमति लेता हूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा भी मोटिवेशन आपका अगर बढ़ा है, तो अभी हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आप हमारी अपडेट मिस ना कर पाए। तो बस दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मैं लेके आऊंगा ऐसी केस स्टडी अगले हफ्ते, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।